राधे कृष्ण। राधे कृष्ण पंडित जी, आपने हवन के लिए जो पैसे, इतनी जल्दी क्या थी माता जी, आप इसे आराम से दे सकती थी। वैसे मैं जानता था आप आएंगे, इसीलिए मैंने हवन के लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। कैसे? अरे आपको पता नहीं, आज का दिन बहुत शुभ है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छा? हाँ, इसीलिए आज हम सब कर लेते हैं, सब अभी हो जाएगा। आज कैसे पंडित जी, आज तो हम बस पैसे देने आए थे कि आप तैयारी कर लें। यहाँ मंदिर में हवन के लिए अधिक प्रबंध की जरूरत नहीं है, और जो जरूरत थी हमने कर लिया है। आवश्यक यह है कि आज पूजा हो जाए और इस हवन से आप पर आया संकट अवश्य दूर हो जाएगा। पर हम ऐसे ही आ गए, फिर कैसे होगा? सब हो जाएगा माता जी, मैं हूँ ना। अरे माँ, भाभी माँ अब तक नहीं आए? अरे हाँ, वो नन्ही दीदी के यहाँ गए हैं, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ उन्हें? वही सर्दी बुखार। अच्छा, काफी देर हो गई है। लीजिए, मोहित का फोन आ गया। हाँ बस तुझे ही फोन करने वाला था। ये तो तू हर बार बोलता है भाई, कोई नया बहाना ढूंढ ले मुझे फोन ना करने का है। यहाँ पर सीधा सीधा कह दे कि दोस्तों के लिए फुर्सत नहीं है। अच्छा अपना नाटक बंद कर और ये बता कि आंटी की तबीयत कैसी है। माँ की तबीयत तो एकदम ठीक है। क्यों? शरा कह रही थी कि आंटी को सर्दी बुखार हुआ हुआ है, और माँ और भाभी माँ भी तो उन्हें ही देखने गए, वो वहां से निकल गए क्या? माँ और भाभी माँ यहाँ है? यहाँ थे क्या? नहीं तो नहीं नैतिक, मुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ तो कोई आया नहीं। मुझे ना ठीक से कुछ मालूम ही नहीं है। एक मिनट, माँ तो वहाँ नहीं है और आंटी की तबीयत ठीक है, आप क्या कह रही थी? अब हाँ, मुझे लगता है मैंने गलत सुन लिया, माँ ने मुझे किसी और के बारे में बोला होगा और मुझे लगा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। यार वो लगता है कि अक्षय को थोड़ी गलतफहमी हो गई। और तू बता, तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? तू कहाँ गए फिर? महाराज लाइए, मैं ले जाती हूँ। ठीक है। हम लोग तो हमेशा छत पे सोते थे, देर रात तक मूंगफली खाते हुए बातें चलती। देखिए माँ, महाराज जी ने कितनी करारी मूंगफली सेकी। ठंड के दिनों में मूंगफली अच्छी लगती है ना। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं बेटा। भाभी माँ कुछ तो है, हम तो ऐसे ही बातें करने बैठे थे, कोई परेशानी नहीं है बेटा। अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, सकता है कि मेरा वहम। लेकिन आज से पहले आपको मैंने इतना बेचैन कभी नहीं देखा है, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों किसी तनाव में रहे। बेटा एक बात कहेंगे तुझसे तो तू मानेगी ना? हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, कहिए। बेटा कोई तर्क नहीं है हमारी बात का, बस विश्वास है हमारा, कहिए ना माँ क्या बात। बहू, गोद भराई के बाद जो सोमवार आएगा ना, उस दिन से बेटा रोज तुम 1008 बार मंत्र का जाप करना।